सोचिए एक ऐसी जगह जहां का ज्ञान इतना अद्वितीय था कि एशिया के हर कोने से विद्वान यहां पढ़ने आते थे। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था बल्कि ज्ञान का खजाना था, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार भारत में। 5वीं सदी में स्थापित नालंदा 800 से भी ज्यादा वर्षों तक फला फूला, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक थे। इसमें लेक्चर हॉल, भव्य पुस्तकालय, मंदिर और छात्रावास थे। और कहा जाता है कि इसकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी धर्मगंज मेन करीब 90 लाख मनुस्क्रिप्ट थी। लेकिन एक दिन इस ज्ञान के खजाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पर सवाल है, खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाया कि इसके पीछे कोई और था? कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और उसके जनरल बख्तियार खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बिहार तक पहुंच बना ली। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खिलजी एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया जिसका इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं था। इलाज की उम्मीद में उसे बताया गया कि अगर कहीं से उसका इलाज हो सकता है तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। पहले तो खिलजी ने मना कर दिया, उसे अपने हाकिम पर पूरा भरोसा था। समय के साथ हालत बिगड़ती गई और आखिर में उसने नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र से मदद मांगी। पर खिलजी ने एक शर्त रखी कि वह कोई भी दवा नहीं खाएगा। आचार्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी। जैसे जैसे खिलजी कुरान पढ़ता गया, खिलजी ठीक होने लगा। उसने पूछा, कुरान तो इसके पहले भी पढ़ी पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? तो आचार्य ने बताया, तुम्हारे कुरान के हर पन्ने पर हर्ब्स का अर्क लगा दिया गया था और उन हर्ब्स की खुशबू तुम्हें सांस लेते समय ठीक कर रही थी। खिलजी हैरान था नालंदा की विद्या से, लेकिन कहीं अंदर से वो असुरक्षित भी महसूस करने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी उसकी खुद की संस्कृति के विद्वानों से भी ज्यादा ज्ञानवान हो। और इस जलन और असुरक्षा में उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया, नालंदा को जलाने का। मनुस्क्रिप्ट महीनों तक चलती रही, लगभग 90 लाख से ज्यादा किताबें राख बन गई। इस घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्ञान और विरासत को एक गहरा धक्का दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? दरअसल एक दूसरी कहानी भी है जो इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती है। तिब्बती भिक्षु तारानाथ और संपा खेनपो ने एक दूसरी कहानी लिखी है, जिसमें बताया गया कि नालंदा का विनाश किसी आक्रमण के कारण नहीं हुआ बल्कि एक श्राप की वजह से हुआ। उनके अनुसार काकुत्स सिद्धा नाम के एक मंत्री ने नालंदा में एक समारोह का आयोजन किया था और उस दौरान 2 ब्राह्मण साधुओं का वहां के कुछ युवा बौद्ध भिक्षुओं ने अपमान किया। तो तारानाथ के बूक के अनुसार गुस्से में एक ब्राह्मण साधु ने यज्ञ किया जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी जल उठा। और संपा खेनपो के बूक के अनुसार ब्राह्मण साधु ने सीधी आग लगा दी थी। पर यहां कुछ सवाल उठते हैं। पहले तो ये कि तिब्बती भिक्षु तारानाथ और संपा खेनपो खुद कभी भारत आए ही नहीं थे, उनका वर्णन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। दूसरा, नालंदा एक ऐसा केंद्र था जहां ब्राह्मण भी अध्ययन करते थे, तो फिर इन ब्राह्मण साधुओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ? और अंत में, अगर हम पर्शियन लेखक मिन्हाज़े सिराज की किताब तबकात ए नासिरी देखें तो उसमें साफ तौर पर बख्तियार खिलजी को नालंदा को जलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था या फिर कोई ब्राह्मण साधु का श्राप था जिसने इसे नष्ट कर दिया? इतिहास भले ही खिलजी को इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराता हो, लेकिन ये कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को आखिरकार किसने जलाया और इस महान ज्ञान का अंत क्यों हुआ? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस महान विरासत पर चर्चा को जिंदा रखें।